हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवशीष किचन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टेस्टी टेस्टी दही बड़ों को किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ली है दही, इमली जो कि हमने गुड़ इमली मिलाकर बनाई है, हमने वड़े लिए हैं जिन्हें कि हमने पानी में सोख करके निचोड़कर निकाल लिया है। ये देखिए, अब हम वड़े, ये देखिए कितने सॉफ्ट वड़े बने हैं। बस इसे हम इस तरीके से थोड़े थोड़े चूर कर डाल लेंगे और आप इस तरीके से जब बनाएंगे तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा और इतने टेस्टी और लाजवाब बनते हैं कि आप खाते ही रह जाएंगे। बस इसमें अब हम दही को ऐड करेंगे, ये देखिए। और जब भी आप दही को ऐड करें तो उसमें हल्की सी शक्कर को मिला लीजिए और उसके बाद में दही को एकदम ठंडा कर लीजिए, क्योंकि जब ठंडी ठंडी दही होती है तो उससे स्वाद बढ़ जाता है। अब इमली की चटनी है, इसे हम खूब सारी डालेंगे। आप इसे चाहें तो इसमें अमचूर और गुड़ की चटनी भी बना सकते हैं। ये देखिए, बस इस तरीके से हम पूरे इस पे इसे फैला देंगे अच्छे से और इसके बाद में हम इसमें कुछ मसालों को ऐड करेंगे। मसालों के लिए यहाँ पर हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये देखिए। यदि आप काली मिर्च नहीं खाते तो आप इसकी जगह पर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर सीका हुआ भुना जीरा है जिसे आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है और इससे दही बड़े का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। अब हम सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा वो है नमक, वो डालेंगे और बस इसे मिक्स कीजिए, खाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको कैसे लगे। आप भी ऐसे ही इसे सर्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।